आपने कहा भी था कि साथ देंगे आप उनका। जी जी जी, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है तो ये गलत हुआ है। अरे भाई, अपना अधिकार है, अपना वो जनतांत्रिक तरीके से वो अपना आंदोलन कर रहा है तो क्या लाठीचार्ज कर दीजिएगा? ये कहते हुए कि और तब हमने कहा कि भाई एक सवाल ही था कि भाई तू यहाँ के लोकायुक्त है, यहाँ का सूचना आयोग है, पूरे डिफेंड पड़े हुए हैं। सरकार ने उसके जवाब में अगर आप देखिएगा तो बता दिया कि इसके लिए भाजपा जिम्मेवार है, क्योंकि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जो है घोषित नहीं किया है। नेता प्रतिपक्ष घोषित किए बगैर भाजपा का काम चल रहा है, सदन का काम चल रहा है, राज्य का काम चल रहा है। नहीं चल रहा है तो जनता का जहाँ लोकायुक्त में हो, सूचना आयोग में हो, वो शिकायतें कर सकें। 15,000 से ज़्यादा आवेदन पड़े हुए हैं। लेकिन मैंने कहा कि चलिए, वहाँ तो विपक्ष ये जिम्मेवार थी, लेकिन अल्पसंख्यक आयोग यहाँ शून्य है, अनुसूचित जनजाति आयोग शून्य है, अनुसूचित जाति आयोग शून्य है, तो इसमें तो कोई विपक्ष जो है भाजपा बाधा नहीं है, तो इस पर तो सरकार को गंभीर होना चाहिए था। जो सबसे बड़ी बात है, जो सदन शुरू होने के साथ ही साथ आज जब सदन समाप्त हो रहा था तब भी अगर आप देखेंगे कि लड़के जिस उम्मीद से आ रहे हैं लाठीचार्ज भी हुए हैं। और सबसे बड़ा मसला शुरू से लेकर के अभी तक भी जो सरकार के लिए चुनौतियों पर और युवाओं की आकांक्षा थी रोजगार को लेकर के, नियम बने रघुवर दास के खत्म हुए, हेमंत सोरेन जी के भी नियम बने वो रद्द हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 3 साल के बाद भी नियुक्ति पत्र जो है वो शुरू नहीं हो पाए हैं। तो सार्थकता तो यही होगी कि ठीक है, 32 को लेकर के जो नीति बनी थी वो सरकार ने जो है राज्यपाल के यहाँ से वापस आया है, ओबीसी का रिजर्वेशन इस विधानसभा से पारित हुआ है, वो अभी भी संसद से पारित नहीं है, लेकिन नियुक्तियाँ लोगों को मिले उस आधार पे भी ये नियुक्ति पत्र जो निकाल, क्योंकि वो जो सबसे बड़े मामला है कि कौन सी भी नीतियाँ हों जो भी हों, कि हम लोग देख रहे हैं कि एकअप नियुक्तियाँ 5-5 साल हो जा रही है। अभी भी जो शिक्षकों की नियुक्तियाँ हो रही है 2016 का विज्ञापन, 7 साल हो गए। पंचायत सचिवों वाला भी जो अभी तक जो है वो 5 साल हो गए, पूरे नहीं हुए। तो क्या ये क्या कर रहे हैं? अभी विश्वास की अब यही संस्था है, यही इकाइयाँ हैं, तो वो 1 साल के अंदर, इनके पास 1 साल से भी कम समय बचे हुए हैं लोकसभा चुनाव में, तो कैसे इतने लोगों को नियुक्तियां दे देंगे कि वो खाली से विज्ञापन बन करके रह जाएंगे? इसलिए हमारा जो बारंबार कहना था कि सरकार अगर रोजगार पे गंभीर है, व्यापक पॉलिसियों में चेंज होने की प्रक्रिया ठीक है, वो चलेगी बढ़ेगी, लेकिन आप कम से कम कुछ चीज़ों में तो सीधे नियुक्तियाँ दे सकते थे, वो चाहे शिक्षक हों, टेट पास पास टीचर हों, अनुबंध कर्मियों को हों, तो अगर उस पर अगर आप गंभीरता दिखाएंगे तभी इस सदन की खास करके युवाओं में जो आक्रोश है उसके साथ सार्थकता मिल पाएगी।